بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। ना हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आगे और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। ना आने में हमारी मर्जी का कोई दखल न जाने में हमारी मर्जी का कोई दखल। अकलमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो जिंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारें। आज का दिन ये इस साल का रमजान से पहले का आखिरी जुमा है गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको एक बहुत मुबारक महीने के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया है। लेकिन दोस्तों गढ़ तो हर जमे लगा हुआ है। न जाने कितने लोग रमजान के चांद देखने वाले दिन एक दिन पहले इंतकाल कर गए। कितने लोग चांद देखने के बाद इंतकाल कर गए। कितने हमारे दोस्त अहबाब हैं जो इस साल पिछले साल रमजान में हमारे साथ शरीक थे इस साल नहीं रहेंगे। कितने साल दोस्त अहबाब ऐसे थे जो हमारे तरावी में दाएं बाएं खड़े होते थे उस साल खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कैश करें। हम अपने लम्हात ज़िंदगी की कदर करें और एक एक लम्हे को अल्लाह की मोहब्बत में गुजारने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगें। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ताला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह से पहली उम्मतों को फ़र्ज़ किए थे। यानी तुम ये घबरा मत जाना परेशान मत होना कि क्या मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई है हम भूखा प्यासा रखा जा रहा। तुमसे पहले उम्मतों को भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मुकल्लफ करके दुनिया में भेजा था और उन्होंने रोजे रखकर दिखाए थे और वो कोई मर नहीं गए थे वो कोई तड़प नहीं गए थे। इसी तरह तुम भी मरोगे नहीं तड़पोगे नहीं बल्कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक का महीना भेज कर आपको अपने करीब करना चाहते हैं अपना खुद देना चाहते हैं अपनी मोहब्बत देना चाहते हैं। कुछ वाले जो सियाम कमर कुछ वाले नदीन में कभी को लाल लकुम तक चाहूँ। तो रमजान मुबारक का महीना भेजने का मकसद यह है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ अल्लाह ताला से डरने वाले बन जाओ एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला तुमसे करवाना चाहते हैं उनको करने वाले बनो और जिन चीज़ों से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करना चाहते हैं बचाना चाहते हैं उनसे बचने वाले बनो। और यह रमजान मुबारक का महीना दरअसल अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने के लिए बहुत आसान महीना है। रमजान मुबारक के महीने में नेकी की तरफ तक़वे की तरफ तिलावत की तरफ ज़िक्र की तरफ खैर कसीर की तरफ सदका खैर खैरात की तरफ ज़कात की अदायगी की तरफ माली खिदमत करने की तरफ जितनी तबीयत का रुझान होता है दूसरे महीनों में नहीं होता दूसरे महीनों में इतना नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकियों का रिहर्सल करने के लिए नई तबीयत बनाने का रिहर्सल करने के लिए अल्लाह ताला ने यह रमजान मुबारक का महीना बनाया है। मतलब एक महीना रूहानी तरक्की करके इतना आगे बढ़ जाता है कि नफ्स व शैतान ने पूरे साल के अंदर जो बच्चों के लगाकर डिस्टर्ब करके उसको पीछे करने की कोशिश की अल्लाह पाक उसको ओवरटेक करने की तौफीक दे देते हैं। जितने उसकी स्पीड टूटी होती है जितना वो पीछे गया होता है पूरे साल में रमजान मुबारक
के महीने में उसको अल्लाह ताला अपग्रेड कर देते हैं। जिस तरह गाड़ी आदमी यूज करे 30-40 हजार किलोमीटर चला ले, उसके बाद उसको कंपनी में सर्विस के लिए भेजे, उसका ऑयल पानी चेक हो जाए, उसके टायर ट्यूब चेक हो जाए, उसकी ग्रीसिंग हो जाए जी, तो जैसी वो अपग्रेड हो जाती है और बेहतरीन चलती है, स्मूथ हो जाती है, हल्की फुल्की हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मोमिन बंदे को रमजान मुबारक के महीने में हल्का फुल्का कर देते हैं, गुनाह इसके माफ हो जाते हैं, देखो के एतबार से इसका फिगर अप हो जाता है, रूहानी कुव्वत के एतबार से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इन सारी नेमतों के साथ बंदा को अल्लाह ताला आगे बढ़ा देते हैं। नफ्स शैतान ने पूरे साल में जितना डिस्टर्ब किया, जितने इसको लाते मारे, जितने इसको गिराने की कोशिश की, जितना इसको अल्लाह की रहमतों से दूर करने की कोशिश की, जितना इंसान को अल्लाह की नजरों में जलील करने की कोशिश की, जितना गुनाहों में डिस्टर्ब किया इसको, अल्लाह रमजान मुबारक के महीने में गुनाह माफ फरमा देते हैं, नेकियों के अहतमाम से इसको आगे बढ़ा देते हैं जी, बल्कि कई मरतबा अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। बल्कि मैं तो अक्सर अल्लाह ताला से दुआ किया करता हूँ, रब्बे करीम आज के दौर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और आप ही के सुझाने से, आप ही के बंदों को बताने समझाने से बंदों ने ये चीजें ईजाद की हैं कि इस दौर के अंदर कोई चीज वेस्ट नहीं रही, कोई चीज बेकार नहीं रही, हर चीज हर वेस्ट को बेस्ट बनाने की कोई ना कोई मशीन ईजाद हो गई। पहले कंपनियों में वेस्ट चीजों का ढेर लगा रहता था, उसको जलाया जाता था, उसको कहाँ डंप करें, कहाँ फेंकें, उसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां लगी होती थी, सेंसर लगे होते थे, लेकिन अब कोई भी चीज वेस्ट नहीं रही, हर वेस्ट का इंसान ने बेस्ट बनाने का कोई ना कोई तरीका ईजाद कर दिया। तो मैं अल्लाह से कहा करता हूँ, प्यारे अल्लाह, जब इंसानों को आपने ऐसी सलाहियत फरमाई है, और ये आप ही के देने से ये सलाहियत मिली है कि वेस्ट को इंसान बेस्ट बना रहा है, प्यारे अल्लाह, जो हमने वो अमाल किए हैं, जो हमारी जिंदगी के अमाल पर हमारा बेस्ट हो गए, अल्लाह आप नेकियों से बदल कर इनको बेस्ट बना दीजिए। तो कुरान पाक में है कि बंदा जो ईमान लाता है, जो इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला उसके सय्यिआत को हसनात से बदल देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। तो रमजान मुबारक का महीना नेकियों में सबकत करने, नेकियों में आगे बढ़ने जी, और अल्लाह ताला की कुर्ब हासिल करने का महीना और जरिया है। लिहाजा दोस्तों याद रखें, अगर हम कुछ तरतीब बनाएंगे, हम कुछ तरतीब बनाएंगे काम की, तो तरतीब बनेगी, वरना याद रखना बर्बादी की तरतीब तो बनी भी तैयार है। किसी काम की तरतीब बनाएंगे तो बनेगी, वरना बर्बादी की तरतीब तो बनी भी तैयार है। मैं आमतौर पर जब लोग हज उमरे पर जाते हैं, उनको कहा करता हूँ, कोई भी दुआ तवाफ के अंदर, सही के अंदर फर्ज वाजिब नहीं, और किसी भी जुबान में दुआ फर्ज वाजिब नहीं। आप किसी भी जुबान में, अल्लाह ताला को हर जुबान के खालिक और मालिक हैं, आप किसी भी जुबान में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, और कुछ भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। लिहाजा आप इस बोझ को हल्का करके जाइए कि आपको कोई चीज याद रखनी। अलबत्ता तवाफ में 7 चक्कर होते हैं, और 7 चक्कर में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसको बहुत कुछ अल्लाह से मांगा जा सकता है। तो मैंने एक तरतीब अपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाई दुआ मांगने, और वो भी फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन इस तरतीब से मुझे नफा हुआ है, इसलिए नफे की चीज को मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस पर अमल करें हो सकता है आपको भी नफा हो जाए। फिर मैं कहा करता हूँ कि देखो, जब हज उमरे में जब जाते हैं, तो तवाफ करते हैं, तो तवाफ में पहले चक्कर में आप मुकम्मल इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अतूबु इलैह, प्यारे अल्लाह कहा आपका हरम पाक, और कहा मेरा वजूद नापाक, मेरे प्यारे अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरी तौबा को कबूल कर दीजिए, पूरे चक्कर में बस इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। जब पूरे चक्कर में इस्तग़फ़ार हो गया एक चक्कर में, तो 7 चक्कर का एक तवाफ होता है,
एक चक्कर को आदमी में एक शॉट कहते हैं, तो एक चक्कर हो गया, दूसरे चक्कर में आप सिर्फ दुरुस्ती पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें ईमान दिया है। आज हम इस सरजमीन पर मौजूद हैं तो मेरे महबूब का, मेरे आका का मुझ पर हक है कि मैं पर दुरूद पढ़ूँ। लिहाजा पूरे चक्कर में दुरुस्ती हो गए, दो चक्कर हो गए, तीसरे चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए मांगे, अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता, अमल साले की तौफीक अता फरमा, कि अल्लाह मुझे अपनी खशियत अता फरमा, अपना शौक अता फरमा जी, अपनी जात के लिए सेहत अता फरमा, इल्म अता फरमा, रिज़्क अता फरमा, इज्जत अता फरमा, जिल्लत और रसवाई से हिफाजत फरमा, बीमारियों से, जाहिर बीमारियों से, बातिनी बीमारियों से शिफा अता फरमा, मेरी रूहानियत में तरक्की अता फरमा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए जितने नफे की चीज़ें हैं मांग लो। तीन चक्कर पूरे हो गए, चौथे चक्कर में जो अपने दिया दिया है, माँ और बाप, बीवी और बच्चे, भाई और बहन, इनके लिए मांगे, सेहत मांगे, रिस्क मांगे, इज्जत मांगे, आफियत मांगे, सलामती मांगे, बार बार मांगे। चाहोगे पांचवे चक्कर में पूरी उम्मत के लिए मांगे, अल्लाह उम्मत की मफ़िरत कर, अल्लाह उम्मत की इज्जत रखता था फरमा, अजमत रखता था फरमा, शान रखता था फरमा, शौकत रखता था फरमा, खिलाफत रखता था फरमा, अल्लाह उम्मत को कुव्वत अता फरमा, उम्मत को रसवाई से महफूज फरमा, पूरी उम्मत के। छठे में फिर दरुद शरीफ, सातवें में फिर इस्तिग़फ़ार। अब इसको शॉर्टकट यूँ समझें, शुरू के दो आखिर के दो, दो दो चार हो गए, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, सबसे आखिर में इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले वाले के बाद दरुद शरीफ, आखिर से पहले वाले में दरुद शरीफ, चार हो गए, ये तो फिक्स याद रहेगा। अब बचे तीन, एक में अपने लिए मांगे, एक में अपने सबसे करीबी लोगों के लिए, माँ और बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के लिए मांगे, और एक पूरी उम्मत के लिए मांगे। तो याद रहे, शुरू के दो आखिर के दो इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ के लिए खास, और बीच के तीन चक्कर में एक में अपने लिए, और एक में अपने नियर डियर के लिए, और एक में पूरी उम्मत के लिए। अब इतने लंबे चक्कर होते हैं, उसमें बहुत कुछ मांगा जा सकता है। अब अगर ये तरतीब आप बनाएंगे तो आप कुछ मांग भी सकेंगे, दिल में आपका खुश होगा कि मैंने अल्लाह के सामने बहुत कुछ अपनी बातें रखती थी जी, और इस तरतीब से आपके चक्कर भी याद रहेंगे कि कौन से चक्कर में आप समझ गए थे, वरना वहां नफ्स शैतान साथ में रहता है, तो ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं, चक्कर ही भूल जाता है कौन से चक्कर में। बस तवाफ मुकम्मल करने के बाद फिर याद आता है कि यार ये तो मांगना रह गया तवाफ के लिए, बस मांगी। अच्छा, तो अगर आप पहले से कुछ प्लानिंग करेंगे, तरतीब बनाएंगे तो कुछ मांग सकेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे तो याद रखना बर्बादी की तरतीब, भूल भलाइयों की तरतीब तो पहले से बनेंगे ठीक। इसी तरह रमजान मुबारक के अंदर भी आप कुछ तरतीब बनाएंगे तो इंशाल्लाह तरतीब बन जाएगी, लिहाजा इरादा करेंगे इंशाल्लाह रोजाना कम अज कम 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे जी, इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे कम अज कम 313 दफा हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, एक मुबारक अदद रही 313 साल बदरीन की तादाद जी, तो इस अदद के मुताबिक याद रखेंगे हदीस पाक पुराने पाक में उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, आप अल्लाह ताला का जिक्र करें कसरत से, और जहां मुनाफिकीन की आदत है, मुनाफिकीन के बारे में बताया कि ला यज़्कुरुनल्लाह इल्ला क़लीला, वो अल्लाह का अल्लाह की याद नहीं करते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा, मालूम हुआ थोड़ा जिक्र ये मुनाफिकीन की अदा है, और जिक्र कसीर ये मोमिनों को हुक्म है। सवाल ये पैदा होता है जिक्र कसीर किसे कहते हैं, एक तो है कसरत से जिक्र करो, एक कितना करो, कितनी कसरत, सोई भी नहीं, जागे भी नहीं, आराम भी ना करें, हवाएं जो बशरिया से फारिग भी ना हो, किसी से बात भी ना करें, तिलावत भी ना करें, कितना आराम जिक्र करें, जहाँ कसरत से कैसे हो सकता है, अल्लाह ने हुकूम दूसरे भी रखे हैं, काम काज दूसरे भी रखे हैं, तो जिक्र कसीर की कोई कैपेसिटी तो होनी चाहिए, उसका कोई फर्ज तो होना चाहिए। तो बुजुर्गान ने तो बताया जिक्र कसीर जो भी जिक्र 313 दफा, वो 300 दफा, ये 300 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए वो जिक्र कसीर की हदूद में दाखिल हो जाए, कोई भी जिक्र 300 की तादाद में करो, ये 300 की तादाद से दो चार मरतबा आगे बढ़ो जी, तो ये जिक्र कसीर की हदूद में आप दाखिल हो जाएगी,
जिक्र कलील करने वाले नहीं कहलाएंगे बल्कि जिक्र कसीर कहना करने वाले कहलाएंगे जिनकी फसीलत। तो फिर बेहतरीन फल ये है कि 313 दफा कर लें। तो 313 दफा रोजाना इस्तेगफार, पहले इस्तेगफार करें फिर 313 दफा दुरूशी पढ़े। देखो पहले बर्तन को मांजा जाता है, पहले बर्तन को साफ किया जाता है, फिर उसके अंदर दूध जैसी चीज रखी जाती है। गंदे बर्तन के अंदर दूध बेचने वाला दूध है वो दूध नहीं दिया करता। देहातों के अंदर कैन लेकर दूध बेचने वाले दूधी आते हैं, दूध ले लो दूध, तो जिनका दूध भगा हुआ होता है उनसे महीने में वो पेमेंट करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ पड़ते हैं कई मतलब कोई से बर्तन उठा के, और वो देखता है दूध दिया तो कहता बेटा ये बर्तन गंदा है, जाओ या तो बदल के लाओ या अपनी धुलवा के लाओ। हम गंदे बर्तन के अंदर दूध नहीं दिया करते, याद रखें दूध बेचने वाला दूधिया गंदे बर्तन के अंदर दूध नहीं दिया करता। अल्लाह ताला भी गंदे दिल के अंदर अपनी मोहब्बत का नूर नहीं दिया करते। अगर अल्लाह की मोहब्बत का नूर चाहिए तो दिल के बर्तन को साफ करें, और दिल के बर्तन को साफ करने के दुनिया के बर्तन को साफ करने में वॉशिंग पाउडर होता है जी, या वॉशिंग केमिकल होते हैं, या मिट्टी होती है, तराब होती है, उससे दुनिया के बर्तन को साफ किया जा सकता है। दिल के बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेगफार का केमिकल चाहिए। 313 दफा इस्तेगफार कर लें, पहले दिल के बर्तन को साफ कर लें, फिर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक मरतबा आप नमाज वाला दुरूद शरीफ सबसे बड़ा जो कहलाता है उसको पढ़ लें, उसके बाद आप कसरत से जी छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आखिर एक मरतबा फिर वो पढ़ लें दुरूद इब्राहिम, ये हो गया। तो 313 मरतबा इस्तेगफार, 313 मरतबा दुरूद शरीफ। अब हर नमाज के बाद अगर एक पारा कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना लें तो पांच नमाजों के बाद पांच पारे हो जाते हैं जी, तो कितने दिन में कुरान पूरा होगा? 6 दिन में जी, 6 दिन में कुरान पाक आसानी से हो जाए। अगर हर नमाज के बाद पारा पूरा करना मुश्किल है, हालांकि मुश्किल तो ये दूसरे अंदाज से मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब बंदा इरादा कर लेता है तो वक्त मिल जाता है, आप आदमी एडजस्ट कर लेता है, तरतीब बना लेता है। हमने माना कि बारह के बाद पढ़ना मुश्किल है इसलिए रोजा अभी अभी इफ्तार किया है। मैंने अफ्रीका के मुल्कों के 15-20 मुल्कों का सफर किया है, और सबसे ज्यादा मैं जाम्बिया के अंदर अफ्रीका में जो है तकरीबन 16-17 साल मेरे इंतकाल किया आखिरी अर्षे का तस्वीर साहब राम और कजू के साथ वहाँ, अब तो अपने वतन में उनके होने लगा एहतकाल जो जाम्बिया में होता था। तो जाम्बिया में एक तरीका मुझे बहुत अच्छा देखा, काश के हम लोग उस तरीके पर आते। इफ्तार करने का उनका तरीका ये है, एक तो ये लुसाका राजधानी है जाम्बिया की, लेकिन राजधानी में भी मस्जिदों के आसपास लोग बहुत कम रहते हैं, दूर दूर घर होते हैं, यहाँ तक कि कार के जरिए से वो ड्राइविंग करके मस्जिद पहुंचते हैं। तो फुल पेपर में लपेट के 2 खजूर ज्यादा से ज्यादा 2 खजूर फुल पेपर में, और 100 ml की इतनी सी पानी की बोतल हर आदमी अपनी जेब में लेकर आता, और असर के बाद मस्जिद में घूटा गाड़ के बैठ जाता, मगरिब तक तिलावत 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 और फरूह आफ्ताब से पहले दुआ, और जहां मौसिन ने अजाब शुरू की फुल में से वो निकाला बिस्मिल्लाह कह के दोनों खजूर खा ली और वो पानी पी लिया, और अजान जहां पूरी फौरन तकबीर और तकबीर के बाद नमाज, और नमाज के बाद 2 सुन्नतें मौकदा 2 नफले पढ़ के लोग ऐसे तीर की तरह भागते हैं इसी घर, और घर पर दस्तरखान तैयार, दस्तरखान डायरेक्ट खाने में बैठ गए। अब ये जो समोसे भजी ये सारी चीजें ये टिकम्बे नहीं होते, वहां ये टिकम्बे होते ही डायरेक्ट खाना, और खाना भी अच्छा खाया जाता है, और उसके बाद फॉर चाय भी कर ईशा की नमाज के लिए तरावी के लिए वहां। अब जो यहाँ हमारे हैं इफ्तारी के अंदर सब चीजें होती हैं, कुछ समोसे हैं कुछ भजिए हैं तो कुछ फ्रूट है, इसमें से इसका आधा हिस्सा यदि फ्रूट सलाद पर रोटी होता है या कस्टर्ड पर वो ईशा के बाद अपने घरों में, क्योंकि 20 रकात जब तरावी की पड़ी है तो हल्की फुल्की भूख चमक जाती है जी। तो अब वो जो हमने इफ्तार के अंदर यहाँ किया होता है उसके आधे का आधा हिस्सा वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये तरतीब दोस्तों मुझे इतनी अच्छी लगी, ये दिल को भी लगती है और जिस्म को भी लगती है, इसलिए कि इफ्तार में जब आप भूखा प्यासा बैठे हैं सोचते हैं कि ये कस्टर्ड तो पूरा पी जाऊंगा,
और ये समोसे अकेला मैं ही खा जाऊंगा, दूसरे को मौका ही नहीं दूंगा, और ये जो चाट रखी है ये भी सारी चाट डालूंगा। और खाने में गोता होता कुछ है नहीं, जहां एक गिलास शरबत पी लिया, पानी पी लिया, टाइटाइजेशन, अब कुछ नहीं खाया। नमाज के बाद, मगरिब के बाद अहलिया कहती ये खा लो, कहते कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल पेट भर के भूख गया। तो इससे बिगाड़ा भी होता है, नेमतों के इस्तेहसाल भी होता है। तो अगर हम इस तरह से जब्त करें और तरतीब ये बना लें, मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई निजाम नहीं हो सकता। अब सुनिए हमने इसको यहाँ अप्लाई कैसे किया अपने ऊपर। करकेसर के अंदर जो मेरी मस्जिद है जिसमें हम बैठते हैं, जिसको लोग खानका कहते हैं, हमने 15-16 साल 20 साल से एहतिकाफ सुनता है, पहला अशरे का वहां एहतिकाफ होता है। तो हमने इफ्तार में कुछ देना शुरू किया, अब इधर इसी चाट फ्रूट चाट ये कुछ दे दो, उसके बाद कोई खाने के लिए तैयार है, बीड़ी वाले बीड़ी का शौक पूरा करके, पान वाले पान का शौक पूरा करके, खाने के लिए बैठने की तैयार है। तो अपने घर पे बच जाए तो आप उठा के रिस्टोर करके फ्रिज में फिर गर्म कर खाले शहरी में, तो वह देख के देख तैयार रखी भी है, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 देंगे इनको कहाँ फेंके, कैसे रिस्टोर करें, बचने लगा बिगाड़ होने लगा। हमने सोचा भाई कोई जाम्बिया की तरक्की, अफ्रीका की तरक्की, उसी पर वो करते हैं। चुनाचे असर के बाद इस्लामी तरबियती जो बयान होता है उसके बाद 5-10 मिनट पहले दुआ हो जाती है, फिर सब लोग इंफरादी दुआ में लग जाते हैं, सब में सबको बिठा कर 3-3, 4-4 खजूरें सबके हाथ में दे दी जाती है, जमजम मिला हुआ पानी सबके हाथों में गिलास सामने रख दिया जाता है, और मजीद रू अफजा के 2-3 टैंक रखे होते हैं पीछे। अगर किसी को मजीद प्यास है या शौक है वहां जाके शौक पूरा कर लेना है, सुन पूरी कर लेना, फौरन नमाज हो जाती है, और नमाज के बाद गर्म गर्म खाना सबके सामने आ जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि पेट भर के खा लेते और हम बचता कुछ भी नहीं, सारा का सारा जी जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद में गायब हो जाते हैं। तो अगर हम अपने घरों में ये तरतीब महफूज करें तो हमारे माँ बहनों की बहुत सारे आमाल सिर्फ इफ्तार की तैयारी में सारे के सारे आमाल में सबके अनाज हो जाते हैं। हर वक्त वो समोसे तलने में लगी हुई है, रोजाना भजी बनाने में लगी हुई है। ये कौन सी किताब पे लिखा है कि रोजाना समोसे तले हुए होने चाहिए, भजी गर्म होने चाहिए, ये आज तक किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा। ये तो हमारे शौक है, ये तो हमारे ख्वाहिशात है, और रमजान मुबारक का महीना ये ख्वाहिशात को खत्म करने के लिए तो आया है। अगर दोस्तों हम तरतीब बनाए तो तरतीब से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब रमजान मुबारक में जैसे मैंने आपको कहा हर नमाज के साथ एक बार, तो आप अगर इफ्तार की ये तरतीब खाने की ये तरतीब पा जाए तो मैं समझता हूँ शायद एक बार भी हो सकता है, खाने के बाद आप एक बार पढ़ने बैठ जाए। तो अगर 5 पारे यानी 5 नमाजों के बाद 5 पारे ना हो तो एक तरतीब के और है, वो ये कि हम रोजाना 3 पारे पढ़ें। तो 3 पारे पढ़ेंगे तो कुरान पाक कितने दिन में पूरा होगा? 10 दिन। 10 दिन में कुरान पाक पूरा हो जाएगा, पर रमजान मुबारक के महीने बेहतरीन कुरान पाक के 3 खत्म हो गए। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, इसका अहतमाम करें। अगर तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह जी तो हर 6 दिन के अंदर भी एक कुरान पाक पूरा हो सकता है, और 10 दिन में तो होगा ही होगा इंशाल्लाह। और मोहब्बतों के साथ कुरान पाक को पढ़ें, फोन बिल्कुल बंद करें, कुरान पाक की तिलावत करते हुए फोन सामने में रखें, वरना एक नजर फोन पर रहेगी एक नजर रहेगी फोन में आएगा फोन उठाएंगे। दोस्तों ये कितनी बड़ी बेगैरती की बात है, अल्लाह ताला से हम गुफ्तगू में लगे हुए हैं और मखलूक का फोन आ गया तो खालिक की बात छोड़ दी और मखलूक से बात शुरू कर दी, ये तो बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। ऐसा ना करें, फोन को मुकम्मल साइलेंट मोड पर रखें या फ्लाइट मोड में कर दे ताकि उसको कोई रिंग ही ना, कोई मैसेज ही ना। हाँ बता अगर कोई जरूरी चीज है तो किसी को मुकल्लफ कर दे, जरूरत के अहकाम फैला देंगे। तो दोस्तों अगर हम कोई तरतीब बनाएंगे बाकायदा तो हम उसमें कामयाब भी रहेंगे और रमजान हमारा ऐसा गुजरेगा कि वाकई हमने कुछ किया, और अगर नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात। एक और अहम बात कि रमजान मुबारक के अंदर अपनी बीवी के साथ में गुस्से सलूक करवाऊंगा, वो भी एक औरत साथ है, वो भी रोजे से होगी, आप भी रोजे से होंगे, उसको मजीद आपके अलावा कुछ काम ऐसे करने हैं जो आपके सामने खड़े होकर पकाना होता है, तैयार करना होता है, उसको डिस्टर्ब भी होता है, एनर्जी लॉस होती है, और ऊपर से हमारी गर्दी कैसे भी लॉस होगी। तो कई मरतबा लोग रमजान मुबारक के मुबारक महीने में बीवी के साथ अनबन कर बैठते हैं, ये अच्छी चीज है। इसी तरह रमजान मुबारक से पहले अपने दोस्त अहबाब जितने नियर डियर हैं सबसे कहते हैं प्लीज
रमजान मुबारक के अंदर न फोन के ऊपर आलतू फालतू बात करनी है, न कोई ऐसे मैसेज करने, बल्कि रमजान के अंदर ये जो ग्रुप है ना जिसमें दुनिया भर की खुराफात एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है, इन ग्रुपों को बंद करें। ये ग्रुप ऐसा लगता है जैसे इज्तिमाई गुनाह कर रहे हो, सब के सब मिलकर एक गुनाह में शरीक हो रहे हैं। इस पर कीमतें होती है, इस पर तौहीन होती है, इस पर न जाने क्या क्या तमाशे होते हैं। इसलिए रमजान मुबारक में ग्रुप बाजी बंद करें, फोन का कम से कम इस्तेमाल, व्हाट्सएप का कम से कम इस्तेमाल, इंटरनेट का जीरो इस्तेमाल। रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह के साथ से जुड़े, मखलूक से कटे और अपने आप को खालिक के साथ जोड़े, इसका एहतमाम करें। फिर देखिए ये रमजान हमारे कितना बेहतरीन गुजरे हैं। पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करें, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक का मामला करें, मासूम बच्चों के साथ शफकत का मामला करें। रमजान मुबारक के अंदर जैसे मर्दों के अंदर शौक होता है कि वो मसीने भरते हैं, मस्जिदों में आके खड़े होते हैं, बच्चों के अंदर की शौक होता है, वो भी आते हैं, लेकिन कुछ एक दो अफराद पूरी मस्जिद में ऐसे होते हैं जो बच्चों को डांट पिलाते हैं, धमकी देते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। याद रखना, बच्चों को हरगिज़ ना भगाएं, बच्चों के साथ शफ़क़त का मामला करें, प्यार का मामला करें। ये आइंदा कल के सफ़े अव्वल की मुसल्ली, अगर बचपन में इनको आप पढ़ने नहीं देंगे, बचपन में इनको याद करने नहीं देंगे अल्लाह को, बचपन में इनको आदत नमाज की डालने वाले हम नहीं बनेंगे, तो याद रखना आगे जाकर ये इस्लाम के बहुत बड़े मुखालिफ बनकर खड़े हों। लिहाजा बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को डपटे नहीं, बच्चों को मोहब्बत से प्यार के साथ लेकर चाहिए। कुछ अफराद ऐसे होने चाहिए जो कुर्बानी दें, बजाय सफे अव्वल में खड़े होने के वो बच्चों के साथ सफ में जाके खड़े हों, ताकि उनको इसका एहसास रहे कि ये हाजी साहब मेरे पास खड़े हैं, टीचर साहब मेरे पास खड़े हैं, मुझे शरारत नहीं करती वरना फौरन मेरी पकड़ करेगी। कुछ अफराद ऐसे हों जो बच्चों की सफों को तरतीब दें और थोड़े थोड़े फासले से बच्चों को खड़ा करें, इसलिए कि ये जब आपस में होते हैं तभी ये कोहने मारते हैं एक दूसरे को, तभी ये चिमटी लेते हैं, तभी जो है सर्दे में जाने वाले की लात चलती है, सर्दे में जाने का पैर मारते हैं। तो इनको इनकी तरतीब थोड़े फासले से इनको खड़ा करें, इन पर नजर रखें और नमाज के बाद इनकी हिम्मत अफजाई करें, शाबाश बेटा कितनी अच्छी तुमने नमाज पढ़ी, देखो कोई शरारत नहीं हुई, कोई शोर नहीं हुआ, अगली नमाज में जरूर आना बेटा, उनकी हिम्मत अफजाई। तो इन चीजों को काबू में लाए, नहीं घर के अंदर कई मरतबा रोजा रखने के बाद घर का जो बड़ा होता है वो आखिर आखिर इफ्तार के वक्त तक ऐसा ढीला ढाला हो जाता है, चूर चूर हो जाता है और उसका मिजाज गुस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में अकेला रोजेदार ही है, इसी के ऊपर टेंशन है रोजे का, तब वो अखलाक बिगाड़ता है। कई मरतबा इफ्तारी के दस्तखान पर बैठा होता है और बच्चों का ऐसी चुभती भी और कड़वी ऐसी बात कहता है जिसकी वजह से बच्चे सोचते हैं क्या इनके लाए हुए इफ्तार से हम इनके लाए हुए इफ्तार से रोजा इफ्तार करें, जो बाप को ऐसा बोलता है उसका देवा खाना भी अच्छा नहीं लगता। ये चीज अच्छी है, मोहब्बतों के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ मामला करें। किसी बच्चे को समझाना, समझाने का एक अंदाज होता है, उस पर शफकत तालीम हो, बेटा मेरे बेटे होकर ऐसी बात करते हो, इस तरह इस अखलाक के साथ समझ जाते हो, बेटा तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी माशरे में जी, लोग हमें क्या समझते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, मेरी वजह से तुम्हें लोग पहचानते हैं जी, और मेरा मामला इस तरह का है लोगों के साथ, पर तुम ऐसा मामला करते हो, मैंने आज तक किसी को ताना नहीं दिया, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी, मैंने आज तक किसी के साथ बदअखलाकी नहीं दी, और तुमने किसी के साथ ऐसा मामला किया है, बेटा तुम मुझे जीने दो नहीं, मुझे घर से बाहर निकलने की ताकत छोड़ो कि नहीं छोड़ो, बस दो तीन बात कहनी काफी, लेकिन इसमें शफ़क़त लाज़िम होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये मामला सख्ती, ये दौर सख्ती का रहा ही, इसलिए कि न जाने कितने लोग प्यार देने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर वो बाप को छोड़ के किसी और के साथ में जो है अपना मामला कर रहे हैं। इसी तरह बेटी कई मतलब बीवी अपने शोहर को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगती है, वो सोचती है शोहर होकर मैं उनसे प्यार नहीं करता, वो अजनबी होकर मेरे साथ में शोहर से ज्यादा मोहब्बत करता है, बस वही ठीक। आजकल घरों के अंदर इख्तलाफ का सबब हमारे बद अखलाकी, हमारे मिजाज की तोशी, हमारे मिजाज की सख्ती है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम मोहब्बत का मामला अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु छोटे से थे, इनके वालिदा तबीयत नाफ़ज़ को छोड़कर गई थी, 10 साल से ज्यादा का समय उन्होंने तकरीबन गुजारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ,
फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी मारा, न मुझे कभी डांटा, न बुरा भला कहा, न ये कहा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कष्ट रखा हुआ था और उसमें सालन था और फिर हाथ का विधा जा रहा था, विधा जा रहा था, बस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि सब मिला वो कुल मिलना यदि ए मिटवे ए मिटवे बिस्मिल्लाह, और जो तुम्हारे सामने का हिस्सा है उससे खाओ, बस इतना फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कदवा नमूना हमारी जिंदगी का बेहतरीन लायामल है दोस्त। हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने घर को ढालना चाहिए, अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। अल्लाह ताला से दिल से दुआ है रब करीम आने वाले रमजान मुबारक को जिंदगी का हसीन रमजान बना दे। प्लीज दोस्तों दुआ का खास एहतमाम इफ्तार के वक्त भी करें और सहरी के वक्त भी करें। सहरी के वक्त भी करें, सहरी खाने के बाद सो न जाए बल्कि घर ही छोड़ दें और मस्जिद में दो हिस्से बन जाने चाहिए, एक हिस्से में ट्यूबलाइट रोशन रहे ताकि तिलावत वाले उसमें लगे रहे और एक हिस्से में बिल्कुल अंधेरा रहे ताकि बाकी लोग उस तरह बैठ कर अपनी मुनाजात में अपनी दुआ में अल्लाह के साथ जुड़े। ये तरतीब होनी चाहिए। नींद बाज लोगों को पंखे चाहिए, बाज को नहीं चाहिए, जैसे बहुत से लोग एसी की हवा को नहीं चल रहे बाहर बैठे। तो मैंने अफ्रीका में देखा कि कुछ हिस्सों में पंखे चलते हैं और एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पंखा बंद रहता है ताकि कोई मिजाज के इस तरह के लोग नाजुक है, नजला है, खांसी है, बुखार है, तो उस तरह अपनी नमाज पढ़ें। दोस्तों तरतीब बनाएंगे तो हर हर काम का हल मौजूद है और तरतीब नहीं बनाएंगे तो सिवाय परेशानी और टेंशन की कुछ भी नहीं। दुआ का एहतमाम करें, इस वक्त पूरी उम्मत को दुआ की जरूरत, हम खुद भी अपनी दुआओं के मोहताज हैं और एक दूसरे की दुआ के मोहताज हैं, पूरी उम्मत एक दूसरे की दुआ के मोहताज है। फलस्तीन के लिए खास तौर से दुआ करें, अरबों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, जो ममालिक इस्लामिया है नाम लिहाज है अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।